ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको हम लोग नियोग्लूकोजेनेसिस भी कहते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज दी नियो प्लस जेनेसिस, यानी ग्लूकोज का, नए ग्लूकोज का बनना। और ये एक बायोकेमिकल टर्म है जिसमें कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, यानी प्रोटीन और फैट से किसी तरीके से ग्लूकोज बन जावे। कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ग्लूकोज भी है और दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है, ग्लाइकोजन से, फ्रक्टोज से, माल्टोज से या स्टार्च से, ये सब कार्बोहाइड सब्सटेंस है। लेकिन नॉन कार्बोहाइड सब्सटेंस से जब ग्लूकोज बनने लगे या बने शरीर के अंदर, तो ये कहलाता है नियोग्लूकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। और जब हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, हम भूखे रहते हैं, फास्ट करते हैं, स्टारवेशन होता है, तब ये ग्लूकोज जो है हमारा बॉडी का बनता है एनर्जी लाने के लिए। कहाँ से? नॉन कार्बोहाइड सब्सटेंस से, यानी कि प्रोटीन से, पहले फैट से, उसके बाद प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि नियोग्लूकोजेनेसिस की जो पाथवे है, बेसिकली ये पाथवे क्या है? ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल है। यानी ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का टूटना एनर्जी देने के लिए, और ये दो स्टेप में होती है, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में। और ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट। पाइरूवेट और ये पाइरूवेट साइट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में मेटाबोलाइज होता है, और इसके फिर एनर्जी निकलती है, और ये बहुत सारे फैटी एसिड्स कन्वर्सन, इंटर कन्वर्सन होते हैं। जो जो सब्सट्रेट्स चाहिए पाइरूवेट्स को बदलने के लिए क्रेब्स साइकिल के थ्रू, फैटी एसिड्स के थ्रू एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बदलने के लिए, वो सारे साइकिल में कहीं ना कहीं ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोडक्ट जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें सब्सट्रेट्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें नया ग्लूकोज बनने के काम में आ सकती हैं? तो दो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली, एलानिन और ग्लूटामिन। ये दोनों अमीनो एसिड्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, और एलानिन और ग्लूटामिन। दूसरा एक सब्सटेंस है लैक्टेट, जो कि जबकि सफिशेंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती पाइरूवेट को एंटर करने के लिए क्रेब्स साइकिल में, तब ये लैक्टेट नाम की सब्सटेंस बन जाती है, और ये मसल्स और रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है और एसिडोसिस प्रोड्यूस करती है। ये लैक्टेट लिवर में जाके पूरी साइकिल के जरिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज हमारे वापस शरीर के ब्लड में मिल जाता है। तीसरी चीज़ है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल एक पार्ट है ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जो कि हमारे फैटी टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यू में होता है, और ये टिश्यू जो है हमको फैट को मूव करके ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ग्लिसरॉल जो है एक सब्सटेंस है जो कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसके जो कि फैटी फैट के साथ जुड़ने के बाद में ट्राईग्लिसराइड्स बनाता है, और जो ही फैट्स कहलाते हैं। चौथी चीज़ है फैटी एसिड्स, जो खुद भी सब्सट्रेट्स होती हैं नए ग्लूकोज बनने के लिए। और आखिरी चीज़ है ट्राई एफिडिक साइकिल, साइट्रिक एफिड साइकिल में ऑक्सिलो एफिटिक एफिड जैसे इंटरमीडिएट्स रिवाइज करते हैं सब्सट्रेट्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड लाइक एलानिन एंड ग्लूटामिन, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड साइट्रिक एफिड साइकिल के दूसरे इंटरमीडिएट जैसे कि ऑक्सिलो एफिटिक एसिड की तरह। अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स जैसा कि हमने देखा कि दो होते हैं, एलानिन और ग्लूटामेट। ये ट्रांस अमीनेशन होता है इनमें, और ये कार्बन स्केलेटन डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू पाइरूवेट, ये सारे पाइरूवेट बदल जाते हैं।
और अमीन ग्रुप कहीं और चला जाता है, बिकॉज पायरेवेट में अमीन ग्रुप नहीं होता। कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि कुछ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स अग्रो एफेटिक एसिड को बनाते हैं और साइटोक्रोम साइकिल में एंटर हो जाते हैं डायरेक्टली बिना पायरेवेट में कन्वर्ट हुए। एलानिन लिवर में ज़्यादातर एक्टिव करता है और ग्लूटामिन ज़्यादातर किडनी प्रेफर इसको करती है न्यू ग्लूकोजेनिस करने के लिए। दो ही ऑर्गन में ज़्यादातर न्यू ग्लूकोजेनिस होती है, लिवर में और किडनी में। किडनी ग्लूटामिन प्रेफर करता है और लिवर एलानिन प्रेफर करता है। इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन स्टेट्स में ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स पायरूवेट में बदलते हैं। तो जी हमने शॉर्ट में देख लिया कि सबसे पहले अगले वीडियो में हम उसको दिखाएंगे चित्रों की सहायता से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।